कल की क्लास में हमने लास्ट जो हमने वी लुक मतलब लिस्टिंग का क्लासेस हमने आपको दिया था, उस क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किए थे लिस्टिंग के बारे में कि हम यहाँ पे कोई भी डालते हैं, जैसे हमने टी आर जी डाला और हमारे पास उसका पूरा लिस्ट आ जाता है, चाहे एक बार हो चाहे वो 10 बार हो, मुझे वी लुकअप्स आ जाता है। इसके लिए हमने आपको बताया कि अपने डेटाबेस में काउंट इफ का इस्तेमाल किया था और हमने यहाँ भी उसी का इस्तेमाल किया था। फिर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के हमने किया कि अगर ब्लैंक हो तो उस पर फॉर्मेट ना चले, ब्लैंक ना हो तो उस पर फॉर्मेट चले। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि मुझे टोटलिंग ऐड करना है, कि हर के नीचे मैं टोटल ऐड करना चाहता हूँ। अब इसके तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन चलिए हम एक तरीका यहाँ इस्तेमाल करते हैं। दो तरीका मैं बता रहा हूँ, पहला तरीका आप देख लीजिए फिर दूसरा तरीका बताऊंगा मैं। इसकी एक सबसे पहला तरीका है कि यहाँ मतलब कि पहला होगा ए ब्लैंक होगा, यहाँ मतलब कि सबसे पहला टोटल यहाँ होगा, तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे यहाँ पे कि इफ अगर ऊपर वाली वैल्यू इज इक्वल टू टोटल इक्वल टू ब्लैंक है तो यहाँ पे टोटल का शो करे। ठीक है, अदरवाइज जो चल रहा है उसको चलने दे। अब इससे क्या हुआ कि जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो टोटल आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि कई सारे टोटल आ गया, हमें तो एक ही टोटल रखना था ना, लेकिन हमने कंडीशन क्या लगा रखा है कि ऊपर वाला ब्लैंक हो तो टोटल आए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो टोटल है, इसके ऊपर वाला ब्लैंक है, यहाँ टोटल है, फिर ब्लैंक है, टोटल है, तो मुझे एक ही टोटल रखना है। तो इसमें हम एक और कंडीशन लगाएंगे काउंट इफ का, ध्यान से देखिएगा सर, कि इफ काउंट इफ और मैं जी बोला यहां से यहां तक हमने बोला टोटल को, हमने टोटल को जहां पे फॉर्मूला लग रहा है उससे ऊपर तक में हमने टोटल को सर्च किया, अगर उसका रिजल्ट ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये ब्लैंक कर दे। तो पहले काउंट इफ करके चेक करेगा कि जहां फॉर्मूला लग रहा है उसके ऊपर में कोई टोटल तो अवेलेबल नहीं है, टोटल अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि वो काउंट उसका 1 आएगा, अगर काउंट 1 से ज्यादा हुआ तो ये ब्लैंक कर देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देगा, माफ कीजिएगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखेगा क्या इसके ऊपर ब्लैंक है, ब्लैंक है तो टोटल कर देगा, अगर नहीं है ब्लैंक तो फिर जो इफ एरर और जो वी लुकअप इफ का जो फॉर्मूला चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेगा। एंटर मारिए यस, और फिर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। सॉरी सर, मैंने एक कॉल अटेंड कर लिया था, नीचे ड्रैग किया तो जी अभी यहां पे आप देख रहे हैं कि टोटल आ ही रहा है, क्यों ऐसा हुआ बताइए आशीष जी, ऐसा हुआ क्यों? सर, क्योंकि जो सम, ये जो काउंट इफ है, ये हाँ ऊपर के शायद दो ब्लैंक देख रहा है। अगर आप जाओगे रो 22 हाँ पे, तो हाँ यहां मुझे इसको फ्रीज करना चाहिए था। हाँ तो ये एक सेकंड दीजिए सर, हाँ, अब अगर मैं आप इसको रो 22 पे जाओगे। हाँ जी सर, कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ एक टोटल दिख रहा है, दिख रहा है एक टोटल। एग्जैक्टली। अब मैं जहां सम करना है, मान इसको सम करना है तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा कि इफ अगर सीरियल नंबर में नंबर के जगह पे अगर टोटल है
ठीक है, तो यहां पे क्या करें, सम का फॉर्मूला लगा दिया, सम और इस अपने ऊपर वाले वैल्यू को हमने सम कर दिया और कॉमा दे देता हूं। और यहां भी मैं जो है इसको फ्रीज करूंगा इस तरह से, और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। समझ गया सर? वो नीचे गए ना, वो किसने? दूसरी क्या कर रहे हैं? तो एक तरीका तो ये है, तरीका समझ में आ गया सर? हाँ जी सर, आईटी किया तो नीचे घसक गया, मैं यहाँ पे टीआरजी करता हूँ तो ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेल्स कर दूं तो इस तरह से हो रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका था, अब दूसरा तरीका हम आपके साथ बताते हैं। क्या कि ये तरीका सॉरी मैंने सर, सॉरी सर, आप रिकॉर्डिंग एक बार अलाउ कर दो सर। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ किया हुआ है। अच्छा, अभी मेरे को, हाँ कर दिया। जी, अब हुआ। तो एक पहला तरीका हो गया, अब दूसरा तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि ये तरीका जो मैंने आपको बताया, ये तरीका मैंने आप ही को नहीं बहुत लोगों को बता रखा है, ठीक है? अब कुछ नया होना चाहिए ना सर। और दूसरी चीज है कि इस तरीके में एक रो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, मुझे एक रो नहीं छोड़वानी है, मुझे इसको इसी से करना है। रिकॉर्डिंग तो ऑन ही हो सर जी। हाँ नहीं, सेम है। कर दिया मैंने, ऐसे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, ले लीजिएगा, या वो ग्रुप पे डाल दूंगा। अब दूसरा तरीका क्या होना चाहिए? दूसरा तरीका में हमने इस तरीके में एक बाउंडेशन है कि आपका एक रो ब्लैंक छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब मुझे इस ब्लैंक को नहीं छोड़ना, दूसरा तरीका चाहिए, क्योंकि मैं एक ही तरीका को हर बार रिपीट नहीं कर सकता। मैं क्योंकि कई सालों से यही तरीका सबको बता रहा हूँ, मैंने आज सोचा कि क्यों ना आप लोग सुबह सुबह की क्लास है तो कोई नया तरीका बताया जाए। तो सर, दूसरा तरीका क्या चीज में, मतलब ये इसके बाद टोटल हम लोग का, क्या करेंगे? तो टोटल का हम दो रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं या कुछ और नहीं, चीज हम करना चाहते चाह हैं रहे कि हैं? ये ब्लैंक रो को नहीं रखना है, मेरा टोटल यहां नहीं यहां आना चाहिए, ओके ओके, ठीक है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला कि इफ, यहाँ पे देखिए इफ, अब इफ, और मैंने बोला कि ऊपर वाली वैल्यू इक्वल टू है हमारा सेल्स की काउंट से, सीरियल नंबर ऐसा है तो मैं यहाँ पे टोटल लिखूंगा, नहीं तो जो चल रहा है उसको चलने दो, ये आसान भी है मुझे लग रहा है। और फिर मैं M2 को फ्रीज कर देता हूँ F4 से। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, अब बाकी इसमें तो सेम रहेगा, ठीक है सर? इसके लिए मुझे यहाँ पे काउंट रखना पड़ेगा कि भाई काउंट होना चाहिए M2। हमने क्या बोला, हमने बोला कि ऊपर वाला जो सीरियल नंबर अगर M2 के बराबर है, मतलब कि 13 हो गया, तो टोटल शो कर दो, समझ गए? तो M2 पे मुझे काउंट इफ रखना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मुझे काउंट इफ यार रखना ही नहीं है, तो इस काउंट इफ को डायरेक्ट इसके अंदर आप डाल सकते हो M2 की जगह पे, क्या ठीक है सर। ये ज्यादा सिंपल है? हेलो, एक बार रिपीट करना सर जी इसको। आपके सामने फॉर्मूला देखिए ना, हमने बोला K5, मतलब कि जहां टोटल लगाना है उसकी ऊपर वाली वैल्यू अगर इक्वल टू सेल्स के काउंट के बराबर है, ये जो 13 आ रहा है ना, ये बता रहा है कि इस डेटाबेस में सेल्स कितना बार रिपीटेड है, और इसी के बिहाफ पे आपका सीरियल नंबर जनरेट होता है, ठीक है ना? सीरियल नंबर जो यस ब्लैंक सर। आ रहा है इसी के बिहाफ पे आ रहा है, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो हमने बोल दिया कि अगर जहां जहां पे टोटल लग रहा है उसकी ऊपर वाली वैल्यू अगर
काउंट के बराबर है, मतलब M13 काउंट, M2 जो है आपका काउंट के बराबर है, तो जनरल सा टोटल जो कर दो, समझ गए? अदरवाइज जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है? समझ गए सर? अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर करते क्या है, पहले तो उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बता दिया, दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह, अब इस बार सिंपल बता दिया, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है ना और इतना सिंपल है, डायरेक्ट सिंपल क्यों नहीं बताया? तो सर इसका जवाब है कि मुझे भी डायरेक्ट सिंपल पहली बार नहीं आया था ना, मैंने पहले कॉम्प्लिकेटेड किया था, उसके बाद मुझे सिंपल समझ में आया, तो मैंने भी उसी बताया आपको, जैसे मैंने सीखा वैसे आपको बताया। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ी थी तो मैं पहले इस चीज को अलाउ किया था, जो दिख रहा है ना आपको सर। उसके बाद जब प्रिंटआउट निकालते थे तो जो हमारा ऑडिटर है बोलता है कि नहीं ये लाइन गैप मत छोड़िए, इसको ऊपर ही रखिए, फिर मैंने बोला यार कुछ करना होगा, फिर मैंने देखा जब मैं यहाँ पे टोटल काउंटिंग जब रख ही रहा हूँ काउंट के लिए, तो क्यों ना हम इसका रेफरेंस ले लूं, तो फिर मैंने ये तरीका अपनाया। और ये तरीका आई थिंक मैं पहली बार शेयर किया हूँ आप लोगों के साथ, इससे पहले किसी स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं किया था, इससे पहले हर स्टूडेंट के पास हमने या YouTube पे वीडियो भी डाला हुआ है, हमने इसी तरीका को शो किया था। हाँ ये तरीका ढूंढने के लिए बोलता था कि मेरा तरीका ये है, आप इसे कोई बेटर तरीका निकालिए। ये तीनों काउंट इफ एवरेज फॉर सम इफ तीनों में काम करेगा क्या? हाँ अगर सर इसको अगर काउंट इफ जैसे आपने लगाया ना सम इफ या एवरेज इफ में लगाए हैं, वहां भी सेम रहेगा ये? हाँ उस चिंता मत कीजिए, आपका अगली क्लास एग्जांपल बताओ ना मेरे को, अगला अगली जो कैटेगरी हमारी है वो आपका सम इफ काउंट इफ एवरेज इफ यही सब चीजों का है, तो आप निश्चिंत रहिए। लुकअप रेफरेंसेस के बाद जो अगला मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री है उसमें पूरा हम यही पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है सर, उसके हिसाब से हम देंगे। तो वी लुकअप का चैप्टर फिनिश हो गया मेरे एंड से, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वी लुकअप में और क्या सीखना है। अगर कुछ और सीखना होगा तो हम आपको एक और वी लुकअप की क्लास दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन फर्स्ट मेरी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसका, थोड़ा मैं थोड़ा रुक रुक के आऊंगा आपके पास में क्वेश्चन के लिए, इसके लिए। हाँ तो आप एनालिसिस कीजिए और आपको लगता है कि वी लुकअप पे कुछ और लाइव प्रोजेक्ट होने चाहिए, एक काम करते ना सर, कल एक लाइव प्रोजेक्ट रख लेते हैं, क्या ठीक है? ठीक है सर, हाँ जी, एक कल जो है एक लाइव प्रोजेक्ट हम रख लेते हैं, ठीक है? लाइव प्रोजेक्ट हम एक रखते हैं, कोई भी एक मैं एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस का प्रोजेक्ट रखता हूँ, ठीक है ना, कल की, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अटेंडेंस का प्रोजेक्ट डायरेक्ट करेंगे या पहले वो प्रोजेक्ट का वीडियो देखेंगे, पहले बताइए सर। पहले वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो वीडियो में ढूंढ के भेज दूंगा आज, ठीक है? ठीक है सर। रवि जी क्या कहते हैं, पहले वीडियो थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगी पहले, फिर समझने में उस टाइम पे इजी रहेगा, क्या कहते हैं रवि जी? अभी सर आवाज ब्रेक हुआ, क्या कह रहे हो? मैं बोलो पहले मैं उसका ऑटोमेटिक अटेंडेंस का पहले वीडियो भेज देता हूँ, फिर मैं वो आपको बढ़ाऊंगा। हाँ सर वो बढ़िया रहेगा, एक भेज दो एक बार, फिर वो देखेंगे, फिर अच्छा रहेगा। मैं एक बार अपने हिसाब से सर्च करता हूँ, फिर मैं आपको भेजता हूँ। हाँ जी सर, ठीक है सर। और मैं क्या कह रहा था सर जी मैं ये कह रहा था, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ अपने एंड से, तो मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा, मैं ये फॉर्मूला वगैरह कर रहा हूँ बाय एंड से, तो टाइम आई कीप ऑन आस्किंग यू। कोई बात नहीं सर, हम के जा रहे हैं, ठीक है, ठीक, अभी हमको संन्यास। हाँ ना, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू।